यस। तो सेकंड जो रिएक्शन है हमारी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफाइन समझते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखी थी उसकी जस्ट अपोजिट है। कैसे डिफाइन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट वन होगा। रिएक्टेंट कितना होगा? वन। प्रोडक्ट वन से ज्यादा होंगे, मोर देन वन, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं। तो वहां पे क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट वन था। यहाँ रिएक्टेंट वन होगा और प्रोडक्ट कम से कम टू होंगे। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो, टूटे, क्या हो, टूटे, और टूट कर क्या बने, उसके सिंपलर प्रोडक्ट बने। इस तरह की रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे, व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का एक टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन। ये कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या हीट देनी पड़ती है। तो अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने पर हो, हीटिंग पे हो, तो उस तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट देनी पड़े, उसे क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए, अभी हमारा पिछली रिएक्शन में एक सब्सटेंस बना था CaCO3। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, जिससे बना था, किस किस से बना था, हमने रिएक्शन में देखा था, ये बना था CaO+CO2 से। देखिए, इक्वेशन आपका बैलेंस होना चाहिए। सी ए सिंगल तो सी ए सिंगल, सी सिंगल तो यहाँ पे भी सी सिंगल, ओ के थ्री है तो ये टू और वन थ्री, बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट FeSO4 फेरस सल्फेट। अब देखिए, ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है, ये है फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट, लेड जिसे हिंदी में कहते हैं सीसा, NO3 नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब टूटेगा तो क्या बनेगा, देखिए, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। क्या नेम है इसका? लेड नाइट्रेट। PbO क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। जो CO3 जो ग्रुप है वो कहलाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट। SO4 कहलाता है सल्फेट, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट। ये जब टूटेगा तो बनेगा ZnO+CO2, ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड। ये सभी रिएक्शन कराने के लिए हीट, ये जो आपको ट्रायंगल का सिंबल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल के सिंबल का मतलब हुआ है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हम हीट दे रहे हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल का सिंबल लगा सकते हैं या हीट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही। नेक्स्ट हमारा सब्सटेंस होना था स्लेक लाइम, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जब टूटता है तो क्या बनेगा, CaO+H2O। नेक्स्ट 2KCLO3, KCLO3 होगा पोटेशियम क्लोरेट, CLO3 को क्या बोलेंगे, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हीट देंगे तो ये टूटेगा 2KCl+3O2। हीट के साथ में इस रिएक्शन में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये जब इसको हीट देंगे तो बनेगा CuO+CO2, CuO+CO2।
इस तरह की और रिएक्शन आगे देखते हैं, काफी सारे एग्जांपल हैं इसके। 2AgBr, इसको जब सूरज की धूप में रखा जाता है सनलाइट, तो ये Ag और Br अलग अलग हो जाता है। 2Ag+Br2 सिल्वर ब्रोमाइड, Ag चांदी का सिंबल होता है, सिल्वर जैसे लैटिन नेम है अर्जेंटिना, सिल्वर ब्रोमाइड, ये जब टूटेगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ऐसे वाटर की रिएक्शन है 2H2O, तो इस पर जब हीट देंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस भी किया जाता है इसमें, तो 2H2+O2। ये सब एग्जांपल थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। आज हमने समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जब टाइम मिलेगा हम आगे की रिएक्शन समझने की कोशिश करें।